हेलो स्टूडेंट्स, चलिए हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं शैवालों का। टॉपिक का नाम है शैवालों के विभिन्न स्वरूप। स्वरूप मतलब भिन्न भिन्न प्रकार के शैवाल किस किस तरह की या किस किस आकृति की दिखाई देती है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें आता है आपका एक कोशिकीय शैवाल। देखिए, एक कोशिकीय शैवाल का मतलब है, जैसे नाम से डिफाइन होता है, कि वो शैवाल जो एक कोशिका से मिलकर के बने होते हैं। मतलब उनकी पूरी जो बॉडी है वो केवल कितनी कोशिकाओं से मिलकर के बनी होगी, एक कोशिका से। ऐसे शैवालों को कौन से शैवाल बोलते हैं अपन, एक कोशिकीय शैवाल। ठीक है, इसमें पहला आता है आपका अमीबिया। अमीबिया को इंग्लिश में एमोइड भी कहा जाता है, एमोइड। ठीक है, अमीबिया शैवाल वो शैवाल होते हैं जिनमें अमीबा के समान गति पाई जाती है। आप सबने अमीबा के बारे में पढ़ा होगा, अमीबा। तो अमीबीय शैवाल वो शैवाल होते हैं जिनमें किसके समान गति पाई जाती है, अमीबा के समान पाई जाती है। अमीबा एक कोशिकीय सेल है। साथ ही अमीबीय जो शैवाल होते हैं उनमें दृढ़ भित्ति जो है वो अनुपस्थित होती है। जैसा हम पढ़ चुके हैं कि शैवालों के अंदर सेल्यूलोज और पेक्टिन की बनी हुई दृढ़ कोशिका भित्ति पाई जाती है, लेकिन अमीबीय शैवालों में ये अनुपस्थित होती है। फॉर एग्जाम्पल राइजोक्राइसिस, ये राइजोक्राइसिस का डायग्राम है। देखिए, ये जो राइजोक्राइसिस है इस तरीके से दिखाई देता है, ये अमीबॉइड गति अपनाता है, मतलब अमीबा के समान गति करता है। साथ ही इसमें मिलते हैं स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया ये अपनी स्यूडोपोडिया की सहायता से बाहर से खाना या फूड को अंदर लेने का काम करता है। ठीक है, साथ ही ये अमीबा के समान मूवमेंट भी क्या करता है, शो करता है। एक कोशिकीय में पहला था अमीबीय, दूसरा आता है इसमें कशाबीकीय। कशाबीकीय मतलब फ्लैजिलेटेड, ऐसे शैवाल जिनमें क्या पाई जाती हैं, कशाबिकाएं उपस्थित होती हैं। और कशाबिकाओं की उपस्थिति के कारण ये क्या करते हैं, गति करते हैं या मूवमेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल युगलीना, अभी अभी हमने पढ़ा था कि युगलीना एक कशाबिकीय शैवाल होता है, जिसमें देखिए केवल क्या पाई जाती है, एक कशाबिकाएं पाई जाती है, जिसकी सहायता से ये क्या करता है, मूवमेंट। दूसरा आता है एक कोशिकीय के अंदर अकशाबिकीय। अकशाबिकीय, जिसे नाम से पता चल रहा है, ऐसे शैवाल जिनमें कशाबिकाएं क्या होंगी, अनुपस्थित होती हैं। कशाबिकाएं अनुपस्थित होंगी तो कैसे होंगी, अचल, नॉन मोटाइल। साथ ही संरचना में कैसे दिखाई देती है, गोलाब, जिसको कोकॉइड भी कहते हैं। गोलाब देखिए, इसका एग्जाम्पल है आपका क्लोरेला। क्लोरेला, ये क्लोरेला है, ये गोल आकृति का है और इसमें कोई भी कशाबिकाएं नहीं पाई जाती, गति नहीं करता, ये इसके अंदर एक क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट आता है एक कोशिकीय के बाद समूहन। समूहन को इंग्लिश में बोलते हैं एग्रीगेशन। एक कोशिकीय शैवाल वो था जिसमें केवल एक कोशिकीय शैवाल होते हैं, मतलब केवल एक कोशिका से मिलकर बने होते हैं। अब इधर देखिए, मान लीजिए ये बहुत सारे एक कोशिकीय शैवाल हैं और ये सारे के सारे एक कोशिकीय शैवाल आपस में मिल जाएं और एक कॉलोनी बना लें। इस तरीके से जब बहुत सारे एक कोशिकीय शैवाल आपस में मिलकर एक कॉलोनी जैसी संरचना का निर्माण करते हैं तो उसी को अपन क्या बोलते हैं, समूहन। जैसे कि हम लोग कॉलोनीज में रहते हैं, पर्टिकुलर एक कॉलोनी के अंदर काफी सारी फैमिलीज रहती हैं, तो वो जो फैमिली है वो एक कोशिकीय हो गई। और जब बहुत सारी फैमिली एग्रीगेट होकर या आपस में जुड़कर एक समूह बना लेती है या एक कॉलोनी बना लेती है तो उसी को अपन क्या बोलते हैं, समूहन। ठीक है, इसमें फर्स्ट आता है पैमेलॉइड या पामेलॉइड। पामेलॉइड जो शैवाल होते हैं वो सब कैसे होते हैं, अचल। अचल का मतलब इनमें फ्लैजिला नहीं पाई जाती, तो मूवमेंट नहीं कर सकते। साथ ही संरचना में भी कैसे होते हैं, गोलाब। और इनमें किससे घिरी हुई कॉलोनी पाई जाती है, श्लेष्मा से घिरी हुई। ये वेरी इंपॉर्टेंट आता है छोटा क्वेश्चन कि इनमें किससे घिरी हुई कॉलोनी पाई जाती है, मतलब किस पदार्थ की कॉलोनी बनी होती है। तो यहां इस कॉलोनी को बनाने में कौन सा पदार्थ काम पे आता है, श्लेष्मा या म्यूकस। फॉर एग्जाम्पल टेट्रास्पोर, ये टेट्रास्पोर है, देखिए
ये पूरी एक कॉलोनी है जिसके अंदर बहुत सारे एक कोशिकीय शैवाल अपनी अपनी जगह पर अरेंज है, तो इसको बोलते हैं अपन फैमेलोपोड। समूह के अंदर जो दूसरा आता है हमारा वो आता है आपका वृक्षाव। ठीक है, वृक्षाव मतलब ऐसी संरचना है जो वृक्ष के समान दिखाई देती है। मतलब यहां पर जितनी भी एक कोशिकीय कोशिकाएं होती हैं या एक कोशिकीय शैवाल होते हैं वो आपस में समूह बनाकर कैसी संरचना का निर्माण करते हैं, शाखित। शाखित मतलब ब्रांच्ड, जिसमें शाखाएं निकली हुई हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रेसिनोक्लेट्स, ये देखिए प्रेसिनोक्लेट्स से इसका आधारीय भाग है, या बहुत सारी एक कोशिकीय शैवाल आपस में जुड़कर एक शाखित संरचना का निर्माण करते हैं। और इन कोशिकाओं को जुड़ने में कौन सा सब्सटेंस काम में आता है, आपका श्लेष्मा। ठीक है, तो ये है आपका वृक्षाव। देखिए एक कोशिकीय पढ़ चुके हैं, समूहन हमने पढ़ लिया, अब तीसरा आता है आपका सेमंडल, या इसको निभय भी बोलते हैं, या फिर इसको इंग्लिश में सिनोवियल भी बोलते हैं। देखिए जो सेमंडल या निभय होता है वो संरचना में तो किसके समान होता है, समूहन के। मतलब इसके अंदर भी एक कोशिकीय शैवाल आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, कॉलोनी बनाते हैं। लेकिन यहां जो कॉलोनी बनती है उस कॉलोनी में कोशिकाओं की जो निश्चित संख्या है वो एक निश्चित ध्रुवता के साथ उपस्थित होती है। ध्रुवता मतलब होता है पोलैरिटी। इसका मतलब ये है कि देखिए समूहन में भी बहुत सारी एक कोशिकीय शैवाल आपस में मिलकर समूह बनाते हैं, लेकिन वहां जो भी समूह बनता है उसकी कोई एक निश्चित आकृति नहीं होती। मतलब उसका कोई एक निश्चित आकार नहीं होता, उसकी एक निश्चित ध्रुवता नहीं होती, एक निश्चित दिशा नहीं होती। लेकिन समंडल या सिनोवियल के अंतर्गत जो कॉलोनी बनती है उनमें कोशिकाओं की संख्या भी निश्चित रहती है, कोशिकाओं की संख्याओं के साथ साथ उनकी ध्रुवता भी क्या रहती है, निश्चित रहती है। साथ ही कॉलोनी का साइज भी कैसा होता है, एक निश्चित आकार का होता है। ऐसा नहीं है कि कितनी भी कोशिकाएं आकर एक कॉलोनी में एंटर करें, एक निश्चित संख्या की कोशिकाएं आपस में मिलकर एक निश्चित ध्रुवता की क्या बनाती है, कॉलोनी बनाती है। इसको बोलते हैं सेमंडल या निभय। अब देखिए जो निभय है या सेमंडल है वो भी दो प्रकार का होता है, एक तो होता है आपका अचल निभय और दूसरा होता है आपका गतिमय निभय। अचल निभय मतलब ऐसी कॉलोनी जिसको बनाने में कौन सी कोशिकाएं भाग लेती हैं, अचल कोशिकाएं। अचल कोशिकाएं मतलब जिनमें कशाविकाएं नहीं पाई जाती, ये नॉन मोटाइल होती हैं, गति नहीं कर सकती। फॉर एग्जाम्पल सेनेडेस्मस, सेनेडेस्मस की स्ट्रक्चर अपन जब देखते हैं तो इस तरीके की स्ट्रक्चर दिखाई देती है। यहां कोशिकाओं की एक निश्चित संख्या होती है जो निश्चित ध्रुवता के साथ उपस्थित होती है, ये इसके स्पाइंस होते हैं। ठीक है, जब अपन इसमें गतिमय निभय में देखते हैं तो गतिमय निभय या ये कॉलोनी बनाने वाली जो कोशिकाएं होती हैं वो चल कोशिकाएं होती हैं। चल कोशिकाओं का मतलब है कि यहां पर कशाविकाएं पाई जाती हैं। फॉर एग्जांपल वॉलवॉक्स एक वेरी इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है कि वॉलवॉक्स जो है निम्नलिखित में से वॉलवॉक्स कौन सी कॉलोनी है, तो उसमें क्या आएगा, गतिमय निभय। ये गति में है, सिनोवियल कॉलोनी है। देखिए वॉलवॉक्स हमने पढ़ा था द्विकशाविकीय, पुराना याद करो, द्विकशाविकीय जो शैवाल पढ़े थे उसका एग्जांपल था वॉलवॉक्स। वॉलवॉक्स में ये बहुत सारी इसकी एक कोशिकीय शैवाल होते हैं जो आपस में श्लेष्मा के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं, और प्रत्येक एक कोशिकीय शैवालों से कितनी फ्लैजेला निकली हुई रहती है, दो फ्लैजेला, और ये इसको मूवमेंट करने में मदद करती है। ठीक है, आता है वो आपका आता है तंतुकीय शैवाल, ये तंतुकीय आकार। तंतुकीय के अंतर्गत वो शैवाल आते हैं जो सारे के सारे कैसे होते हैं, बहुकोशिकीय। ठीक है, अभी तक हमने एक कोशिकीय पढ़ा, यहां पर एक कोशिकीय समूह बना रहे थे, लेकिन तंतुकीय शैवाल सारे कैसे होते हैं, बहुकोशिकीय, और संरचना में किसकी तरह दिखाई देते हैं, तंतु की तरह या फिलामेंट की तरह।
जैसे कि सबसे पहला आता है इसमें अशाखित, मतलब जिसकी शाखाएं ना हो। अशाखित देखिए क्या होता है, जब कई कोशिकाएं लगातार शीर्ष कोशिका के द्वारा विभाजन करके रेखीय क्रम में कोशिकाओं को जोड़ती जाती है तो बनने वाली संरचना अशाखित तंतुनुमा होती है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, यहां देखिए ये सारी कोशिकाएं काय कोशिकाएं हैं, जहां पर विभाजन कहां से होता है, स्टार्ट शीर्ष कोशिका से विभाजन स्टार्ट होता है और लगातार विभाजन करके कोशिकाएं रेखीय क्रम में या लीनियर क्रम में एक के बाद एक संख्या में कोशिकाओं को जोड़ती जाती हैं और सबसे नीचे वाला भाग जो होता है वो इसका क्या होता है, आधारीय तंतुनुमा भाग होता है, जो किसमें देखने को मिलती है हमको, ऑसिलेटोरिया के अंतर्गत। और देखिए ये आता है आपका तंतु की शैवाल का चौथा आता है, चौथे का दूसरा नंबर, पहला था शाखित और दूसरा कौन सा है, शाखित। सीधी सी डेफिनेशन है कि ऐसे शैवाल जो संरचना में कैसे होते हैं, तंतुनुमा, लेकिन आकार में कैसे दिखाई देते हैं, शाखित, मतलब उनकी ब्रांचेस निकली हुई होती है, शाखाएं निकली हुई होती है। इस तरीके से किसमें देखने को मिलती है, ये आपके क्लेडोफोरा। तो यह है आपका शैवालों का विभिन्न स्वरूप, चार प्रकार का होता है, एक कोशिकीय, एक कोशिकीय में कौन कौन था, अमीबीय, कशाविकीय और अकशाविकीय। दूसरा आ गया समूहन, समूहन में कौन था, पामेलॉइड और एक आपका वृक्षा। तीसरा आता है सहमंडलीय निर्भय कॉलोनी, कॉलोनी कौन कौन सी थी, कॉलोनी जिसमें वॉलबॉक्स था आपका, ठीक है। और तंतु की शैवाल, तंतु की शैवाल भी कौन सा, शाखित और एक आपका शाखित।